यहाँ पे पतंग मेरी खराब हो गई थी, लेकिन तब भी मैंने काट दिया। ऊपर से मेरी पतंग नहीं, अंदर की घूमी थी और वहीं मैंने मारा गद्दा और काट दिया पेच। नीचे से मारी पतंग, ऊपर से अपोनेंट, अरे कन्ने फंस गए। अरे पेच मैंने उसका काट दिया, लेकिन मेरा भी कन्ना खुल गया यहाँ पे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल काइडर ऑफिशियल। आज की वीडियो में उड़ाने वाले हैं ये ब्लू वाली पतंग, स्काई ब्लू पतंग है, गोल बढ़िया पतंग है। लेकिन एक इसमें दिक्कत क्या है, इसकी कमान काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, लेकिन ठंडा देखो आप कितना लोसदार है। और मुझे लग रहा है कि ये पतंग उड़ते उड़ते बीच में झप ना मार जाए, अगर बाई चांस ये आसमान में झप मारती है तो ये पतंग पूरी नीचे गिर जाएगी। तो और मांझा मैं आपको दिखा दूँ, मांझा ये वाला यूज करेंगे पूरा, मैंने यूज कर लिया निंजा वाला, बढ़िया मांझा लड़ा तो मैंने पूरा यूज कर लिया, सिर्फ इसमें दो रील बचा है। और यहाँ मैंने कवर बनवाए, ये देखो कवर देखो एक बार आप, चरखी के लिए एकदम बेस्ट कवर है। इसमें ना ऊपर से वो जो कवर होते हैं ना रैपर, उन्हें लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये कपड़े के हैं और वाटरप्रूफ हैं। यहाँ पे ये लगा, इससे आराम से आप चिपका सकते हैं चरखी के ऊपर। और अगर मैं बैक साइड से दिखाऊं तो यहाँ पे देखो वाटरप्रूफ है। बाय चांस कभी आप मैदान जाते हो और बारिश वारिश आ जाती है ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आपके मांझे को। और ज़्यादा कुछ नहीं, 50-60 रुपये में आपके ये बन जाएंगे, मुझे ये 40 रुपये का पड़ा है, आपकी तरफ 50-60 तक बन जाएंगे। ऐसे करके ओपन कर लो, मांझा एकदम सेफ रहेगा। मांझा मैं आपको दिखा दूँ, अरे फोकस हो जा यार, ये देखो आप, तो मांझा कुछ इस कलर का रहा और बीच में आपको दिख ही रहोगे बल खुला हुआ मांझा। बल खुला मांझा ना फंसा के काफ़ी बढ़िया वर्क करता है, मैंने काफ़ी बार ट्राई भी करा है। और फंसा के तो भाई निंजा लड़ता ही लड़ता है। हवा भी देख सकते हैं, शानदार हवा चल रही, तिरंगा हमारा लहरा रहा है बढ़िया करके। तो चलो उड़ाते हैं पतंग, दिखाते हैं फिर लड़ा के। तो कैमरा मैंने कुछ इस तरीके से सेट करा कि सामने से सूरज ना आए और एकदम क्लियर आपको पतंग दिख सके जैसे मैं पार करूं, वरना सामने सूरज आता पुरवाई आवाज़ तो एकदम डार्क दिखता है, ब्लैक। पतंग हमारी पार होके जा रही, देखो अब जैसा कि मैं कह रहा था कि इसकी कमान बहुत ज़्यादा हार्ड है और ठंडा बहुत ज़्यादा लोचदार है। इस मारे पतंग देखो कैसे झप मार रही है जब मैं पार कर रहा हूँ, देखो वो तो मैंने कन्ने छोटे बांध रखे हैं, वरना अगर कन्ने बड़े बांध दो तो ये बहुत ही मुश्किल होगा इसे पार करना, क्योंकि नीचे का एकदम बहुत पतला है ठड्डा। तो जल्दी से पार करते हैं, डायरेक्ट आपको पेज में बचा के दिखाते हैं। अब यहाँ पे हमारा पहला पेज आ गया सामने, जैसे कि मैंने कहा था सूरज पड़ा, डार्क दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा, रेड सर्किल के अंदर मेरी पतंग ने ऊपर से, नीचे से अपोनेंट ब्लू सर्किल के अंदर बनाया बना बना एक ही बना दिया है। और इतनी ताकत से मारा ना मैंने कि अपोनेंट बेचारा कुछ करने लायक ही नहीं रहा। कैसे काट सकता था अपोनेंट हमारी पतंग, कुछ नहीं करना था, तो सिंपली अंदर की पतंग रगड़नी थी या अंदर के झटके मार देता तो काट देता, लेकिन उसने भी अपनी बाहर की खींची। एक और पेज आ गया, रेड सर्किल में मेरी पतंग रही और सामने दो दो पतंग उड़ रही हैं, इसने तो बचा ली यार, चलो इसको निपटाते हैं। ये गया गया गया, अबे कन्ने फांस लिए, अबे भाई पतंग तो मैंने काट दी है मेरी पतंग का, लेकिन कन्ना खुल गया, देखो मैंने उसकी तो पतंग काट दी थी, मेरा कन्ना काट दिया उसने, अबे जल्दी खींचो, अरे घुस गई यार पीछे से, देखो एक पतंग कट के आ रही है मेरी पतंग, देखो उसने कन्ने काट दिए तो मेरी पतंग घुस गई पीछे, देखो एकदम कितना बढ़िया व्यू आ रहा है, नीला नीला आसमान, पीछे से एक पतंग भी कट के आ रही है पन्नी वाली, और उम्मीद है शायद ये मेरे घर की तरफ आ जाए। तो लूट के भी आपको दिखाते, ये बंदा आया लपेटने, यहाँ के लोग ना एक भी पतंग नहीं छोड़ते। अभी ये आ गई आ गई आ गई, भाई अपनी तरफ ही आ रही है, थोड़ा सा और आ जा भाई, पूरी आ गई थी अपनी छत में, बस एक छत का गैप रह गया बीच में, अगर इतना गैप नहीं होता ना पतंग हम पकड़ लेते और लूट के भी आपको दिखा देते, लेकिन हमारी किस्मत में नहीं थी तो निकल गई। दूसरी पतंग पार करते हैं, दिखाते हैं काट के। यहाँ पे हमने अपनी एक और पतंग पार कर ली रेड सर्किल, मेरी पतंग के ऊपर से नीचे से अपोनेंट रखा ब्लू सर्किल के अंदर, ये बंदा हमारी राइट हैंड साइड लड़ा रहा है, देखते हैं क्या होता है इस वाले पेज में, बचाई उसने, फिर रखी मैंने हाथ की तरफ बनाया बाहर का, अबे मार दिया काट दी। अब यहाँ पे क्या हुआ था मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने जैसे ही बाहर का बनाया मेरी पतंग काफ़ी ज़्यादा सुस्त थी तो वो एकदम बाहर की गिरती चली गई, लेकिन अचानक से मुड्ढा चेंज हुआ अंदर का, मैंने वही मुड्ढा खींच दिया और उसके चक्कर ही काट दिए। एक बार मैं आपको स्लो मोशन में भी समझा दे रहा हूँ कि ये मैंने पेच कैसे काटा है। अब यहाँ पे आप डमी गाइड की ऐसे समझ लो, ये वाइट वाली पतंग हमारे अपोनेंट की थी, रेड वाली पतंग हमारी थी। अब जैसे कि हमारा अपोनेंट नीचे से आया, हम उसके ऊपर चढ़े, झोल की तरफ बढ़े, हमारे अपोनेंट ने खड़ी करके दी, हर बार की तरह हमने बाहर का खींचा, अपनी ताकत के ऊपर भरोसा करा, लेकिन पतंग ने हमारी दिक्कत कर दी। जब मैंने बाहर का खींचा तो मेरी पतंग नीचे गिरती चले गई, लेकिन एंड टाइम में उसका मुड्ढा एकदम से चेंज हो गया अंदर का, जैसे चेंज हुआ अंदर का मैंने अंदर की खींच दी, क्योंकि अगर उस समय मैं चक्कर देता तो मेरी पतंग कट जाती, लेकिन जैसे ही मुड्ढा अंदर का चेंज हुआ मेरा ऐसे करके मैंने वही मुड्ढा खींच दिया और डोर जैसी टच हुई हमारे अपोनेंट में उसकी पतंग कट गई।
तो इस तरीके से ये वाला हमने पेज काट दिया। पतंग हमारी ख़राब हो गई थी लेकिन फाइनली हमने पेज काट ही दिया जैसे तैसे। सामने एक और पतंग उड़ रही है, टैर तक ना मेरी रही, ऊपर चढ़ा रहा हूँ, नीचे सब बोले रखा रखा रखा, पूरा वजन लाद दिया। और देखो बस वजन लाद के जैसे मैंने चक्कर दिए, उसने खींचने की गलती करी, अंदर के खींच रहा था वो बंदा, मैंने चक्कर दे दी। एक और पतंग काट दी, इससे दो पतंग पूरी हो गई। सूरज भी काफ़ी ज़्यादा नीचे चले गया तो एकदम पतंग आपको क्लियर दिखेगी, हवा भी अच्छी निकल के आ गई है। अब अपने लेफ्ट हैंड की साइड मैंने तो पूरा इलाका खाली कर दिया, अपने राइट हैंड साइड की तरफ आ गया तो राइट साइड की मेरी पतंग नहीं सामने दिख रही होगी। वो बंदा तो भाग गया, दूसरा बंदा आया, रखी मैंने चक्कर दिए, काट दिया, करने काट दिया। अब एक और आ गया, भाई किससे लड़ाऊँ, मेरा दिमाग खराब हो जाता कभी कभी। आ गया लेकिन पतंग काट दी तो एक बंदा बीच में घुसा रहा था, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या हुआ, उसने फिर अपनी पतंग बचा ली, काटे फिर बचा ली, देखो वरना काट देते इसकी पतंग। पतंगबाजी देखो यार आप, हवा थोड़ी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चल रही है मेरे, इधर की हवा नहीं। अगर इधर की हवा होती ना तो जितनी पतंग दिख रही है ना सामने खड़ी हुई, एक भी पतंग नहीं दिखती, एक भी पतंग नहीं दिखती इसमें से जब मैं काटने पे आता। मेरी पतंग देखो यहाँ खड़ी है, सामने पतंगे, इधर पतंगे, और ये लोग बस पतंग तान के खड़े हैं। लड़ाओ यार, शाम का टाइम है, इतनी बड़ी हवा चल रही है, पतंग तान के क्यों खड़े हो आप यार, खड़ी करके रख रखी है पतंग, लड़ाओ यार, काटो काटो, इसी में तो मज़ा है पतंगबाजी का। खाली एकदम पकड़ के खड़े होगा वो तो बच्चे करते हैं यार, हमने पतंग तो लड़ाया करो, पार करिए। तो अब एक और पेज आ गया, ये वाला पेज काफ़ी लंबा लड़ रहा हमारा राइट सर्किल में, मेरी पतंग ने ऊपर से नीचे से अपोनेंट डाल रखा ब्लू सर्किल के अंदर। ये बंदा हमारे राइट हैंड साइड से आ रहा है, आया नीचे से, उसके हाथ की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं, पतंग रखी, चक्कर दिए, वो अंदर के लेते हुए आ रहा है, मैं बस पतंग रख के डोल लगा रहा हूँ और चक्कर दिए, हल्की सी उठाई पतंग और देखो काम हो गया उसका। वो बंदा काफ़ी तेज़ी से अंदर बढ़ रहा था, भाई हमारा झोल भी तो लटक रहा, उस चीज़ का भी तो तुझे ध्यान रखना चाहिए, और हमारे झोल से ही वो कट गया। यहाँ पे अब सीख लो इस वाले पेज में क्या हुआ, तो वाइट वाली हमारे अपोनेंट की रही, रेड वाली हमारी पतंग दी। अब हमारा अपोनेंट ना, जब उसने देखा कि हमारी पतंग काफ़ी ज़्यादा लंबी निकल गई है, तो उसने सोचा चलो भाई इसका और झोल तोड़ते हैं, वो हमारे और अंदर बढ़ा। अब जब वो अंदर बढ़ रहा था तो मैंने क्या करा, मैंने हल्के हल्के पतंग को चक्कर देना शुरू कर दिए, क्योंकि मेरी सद्दी मोटी वाली थी, बहुत ज़्यादा नीचे लटक रही थी, तो मैंने चक्कर दिए। मैंने सोचा जैसे ही डोर टच हुई वो बंदा अंदर की बढ़ रहा, वो बंदा पक्का कटेगा, और ऐसे ही कुछ हुआ। फिलहाल पहली बार में डोर टच नहीं हुई, वो अंदर बढ़ता गया, मैं डोर निकालता गया, डोर टच नहीं हुई, तो मैंने क्या करा, पतंग नीचे पटकी हल्की से, और हल्के से जैसी पतंग उठाई ना ऊपर, वो जो मेरा झोल था ना उसकी डोर में टच हो गया, और वो जैसी अंदर की खींच रहा था उसकी पतंग वहीं पर ही स्लिप हो गई, चले गई। तो इस तरीके से ये वाला आपने पेज काट दिया, चाहे वो अगर अंदर की खींचता रहता मैं चक्कर भी देता तो भी उसकी पतंग कट जाती। तो अगर कोई आपके साथ भी ऐसे अंदर की बढ़ते हुए आए काफ़ी तेज़ी में, आप जल्दी से पतंग नीचे पटको और चक्कर देने लगो, वो अगर अंदर की खींच रहा हो तो वहीं पर ही स्लिप होगी, उसकी पतंग चली जाएगी। हाँ हाँ मुझे पता, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं काइट लूटिंग की वीडियो के ऊपर, तो जल्दी आपको ग्राउंड से भी काइट लूटिंग की वीडियो मिलेगी, छतों से भी मिलेगी, हर तरफ से काइट लूटिंग की वीडियो मिलेगी, तो थोड़ा सा वेट करो, कल परसों वाली भी वीडियो आ जाएंगी। तो मिलते मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।